Students, power! प्रिय बंधुओं, सारे देश से जीते हुए विजय पाकर यहां उपस्थित आए हैं। आप नया पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं और एक नवीन हिंदुस्तान का भविष्य है। इसीलिए मुझे अत्यंत हर्ष होता है कि आपके बीच में मैं कुछ अपने विचार रख सकता हूं। हमारे देश के सामने दो बड़ी समस्याएं हैं, एक तो भ्रष्टाचार है, दूसरा आतंकवाद है। दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको भ्रष्टाचार पर ही अपना विचार व्यक्त करने चाहता हूं। आपने टॉपिक दिया है, क्या भारत मुक्त हो सकती है भ्रष्टाचार से? सात सौ साल पहले जो भी विदेशों से हिंदुस्तान आते थे, जैसे वास्को डा गामा, चाइना से युआन चांग फासियन, अमेरिका से मार्क ट्वेन, ऐसे अनेक लोग आए। उन्होंने अपना अनुभव पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया और इससे ये सिद्ध होता है, साफ होता है कि उस समय का भारत उनके दृष्टि से सबसे शुद्ध देश था, जहां कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं, ऐसा उन्होंने लिखा है। यहां तक उन्होंने सारे लोगों ने ये लिखा है कि देश हिंदुस्तान के देशवासी अपने घर पर ताला भी नहीं लगाते जब बाहर जाते हैं। धीरे धीरे हम परिवर्तित हुए और आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स के अनुसार हर साल हमारी पोजीशन नीचे होते जा रही है। आज वो कहते हैं 185 देशों में हमारी पोजीशन 135 है। तो इस तरीके से भारत की बदनामी दुनिया भर में हो रही है और हमें समझना चाहिए पहले से कि इसके पीछे क्या है, इसका जड़ क्या है और इसका उन्मूलन करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। देश में तो लोग यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटे। जिस तरीके से जो आंदोलन हुए हैं और जो पब्लिक स्वयं अपने आप बाहर निकली है, उसने दुनिया को प्रभावित किया है कि भारत में कुछ ऐसी बातें हो रही है जो दूसरे देशों में नहीं हो रहा है, दूसरे देशों में नहीं हो रहा है। आज बाबा रामदेव की आंदोलन के बारे आपको अवगत आप परिचित हैं, वो जनता को जुटाने में लगे हुए हैं। आजकल पदयात्रा में है, जब उन्होंने रामलीला ग्राउंड में मीटिंग की तो कितनी भीड़ जुटी सब जानते हैं। दूसरे आयाम में बाबा के बाद अन्ना हजारे एक आंदोलन चला रहे हैं और उसने उनका मुख्य उद्देश्य है कि देश के जो कानून है वो और सख्त हो जाए। नए कानून लाने के लिए, नई विधि को लाने के लिए वो जोर दे रहे हैं और जन लोकपाल बिल पर उनका सारा ध्यान केंद्रित है। तीसरा आंदोलन जो अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले शुरू हुई है, 15 वरिष्ठ लोग जो अनेक पद में रहे हैं, कोई एम्बेसडर रहा, कोई यूएन में रहा है, कोई प्रोफेसर है, कोई आईबी का डायरेक्टर है, आईबी का डायरेक्टर था, कोई सीबीआई का जॉइंट डायरेक्टर था, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक 15 लोगों की समिति बनी है जिसका उन लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुना है। उसका नाम है एक्शन कमेटी अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया।
और हम तीसरी आयाम में काम कर रहे हैं। पहला आयाम जनता के बीच में बाबा रामदेव, दूसरा अन्ना हजारे का नए कानून बनाने में और नए कानून लाने के लिए सरकार को मजबूर कराने में, और तीसरा आज के वर्तमान कानून के अंतर्गत, आज के वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत कार्य करें, एक्शन लें, लोग पकड़े जाएं, जेल में जाएं। और ये हमने, ये संभव है, ये मैंने 2G मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए प्रकाशित किया है, दिखाया है और सिद्ध भी किया है। आगे भी हम करेंगे, अभी तो 2G मामला शुरुआती हुई है और लोग जाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ मद्रासियों को अंदर भेजा है, राजा कन्नी मोड़ी, उसके बाद वो दयानिधि मारन, थोड़े दिन में चिदंबरम भी अंदर जाएगा। ऐसे एक मेरे दोस्त ने बताया, जो कहता है कि मैं तिहाड़ जेल का जो जेल सुपरिंटेंडेंट है वो उसका मित्र है, उसने कहा कि स्वामी के बारे में कंप्लेंट है कि वो मद्रासियों को ही अंदर भेज रहा है तिहाड़ में, क्योंकि बावर्ची का कंप्लेंट है कि ये सारे मसाला डोसा इडली मांग रहे हैं और वो बनाने नहीं जानता है। तो मैंने कहा उसको तैयार होने बोलो कि कोई इटालियन महिला आ जाए तो पिज्जा बनाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि 2G मामले के बारे में थोड़ा मैं विवरण दूंगा अभी। वो मैं समझता हूं कि हमारी भारत देश को मुक्त कराएगा या नष्ट कराएगा, इसको अंत तक ले जाना है। और इस ये ऐसा उदाहरण प्रस्तुत होगा देश के लिए कि भविष्य में कोई हिम्मत नहीं करेगा इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने के लिए। तो इसीलिए हम एक्शन पर जोर दे रहे हैं। अभी हमने फैसला किया है कि सरकार विदेशों में जो जमी हुई पैसा है उसको लाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे सरकारों हमें दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, उसको बाहर निकालने के लिए उनको संकोच हो रहा है। जर्मन गवर्नमेंट ने लिश्टिनस्टाइन में उन्होंने 16 नाम दी थी, उस 16 नाम को आज तक उन्होंने बाहर नहीं निकाला, सुप्रीम कोर्ट को तक देने के लिए तक इनकार कर रहे हैं। दूसरा है कि अभी फ्रांस गवर्नमेंट ने हांगकांग शंघाई बैंक का नाम दिए थे, 700 नाम दिए थे। प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि कोर्ट में केस डालने के बाद हम आपको नाम बताएंगे, क्यों, ये छिपाने की कौन सी बात है। उसमें तीन नाम एमपीज के हैं, एक हरियाणा से, केरला से और एक उत्तर प्रदेश से। वैसे ये 700 नाम ही हैं, परंतु फ्रांस गवर्नमेंट ने तो 3000 नाम दी थी। उस 3000 में कितने हैं, कौन है? विकीलीक्स ने बड़े लिस्ट दी है, उस पर कोई जांच ही नहीं हुई। हमारे देश के लगभग, कम से कम मैं कहूंगा इससे ज्यादा हो सकता है, 70 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंक में जमा है। और विदेशी बैंक में जब जमा करते हो और गुप्त बैंक में जमा करते हो, वो आपको ब्याज नहीं देती है। स्विट्जरलैंड आपको 2% सर्विस चार्ज करेगी, आपको पैसा देना होता है। और जो पैसा आप जमा करते हैं स्विट्जरलैंड, उस पैसा को लेकर अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में जाकर उसको इन्वेस्ट करती है, उसको 4% वहां मिलती है। तो 2% भारतीयों से, 4% हमारे पैसा को बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करके स्विट्जरलैंड को 4% मिलती है, तो कुल मिलाकर 6% कुछ काम करे हुए बिना स्विट्जरलैंड को मिल रही है। और आप सोच लीजिए 70 लाख करोड़ रुपए में 6%
हर वर्ष कितना पैसा हो सकता है। इसीलिए स्विट्जरलैंड में टैक्स ही नहीं डालते उन, क्योंकि उनके लिए दूसरे लोगों का पैसा पर कमा रहे। इतना बड़ा धन हमारे देश के बाहर है। तो सवाल आता है कि भ्रष्टाचार के क्यों बुरा है कि कोई पैसा दे दिया, किसी ने ले लिया, नजायज दे दिया। ये बहुत सीमित दृष्टिकोण है। कोई सेठ ने मिनिस्टर को पैसा दे दिया, किसी ने अपना काम जल्दी कराने के लिए पैसा दे दिया, ये एक सीमित दृष्टिकोण है। भ्रष्टाचार का असर जो है, प्रभाव है, वो बहुआयाम और व्यापक है। मान लीजिए टेंडर है सड़क बनाने के लिए। टेंडर में घपला करके वो किसी को दे देते हैं पैसा लेकर, मंत्री, और जो पैसा लेता है वो जानता है मंत्री तो उसके पक्ष में है और या उसके जाल में है, तो वो सबस्टैंडर्ड मटेरियल डाल देता है। और सबस्टैंडर्ड मटेरियल एक बारिश आकर चले रोड को ही खत्म कर देती है। क्या हम रोड नहीं बना सकते हैं? दुनिया में हम जो हमारी जो हिंदुस्तानी रोड बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसकी जय जयकार होती है। मलेशिया चले जाइए, नाइजीरिया चले जाइए, इराक में जब सदाम हुसैन थे उन्होंने इतनी अच्छी रोड हमारे लोगों ने बनाई कि जब अमेरिका की फौज आई बसरा से बगदाद तक गई तो प्रेसिडेंट बुश ने पहले कहा कि सदाम हुसैन ने एक अच्छा काम तो किया, उसने अच्छे रोड बनाए। तो मैंने बुश को चिट्ठी लिखा कि वो सदाम हुसैन ने नहीं बनाया, ये तो हिंदुस्तानियों ने बनाया था। तो जहां दुनिया में अच्छे रोड बना सकते हैं, यहां भी कई जगहों में अच्छे रोड बना देते हैं, जैसे नोएडा के रास्ते में अच्छे रोड बने हैं, बाकी जगह में नहीं बने हैं। तो इसीलिए इसके पीछे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का पहला असर है कि सब स्टैंडर्ड गुड्स आपको मिलती है, मेरिट सैक्रिफाइस हो जाती है, और जो मेरिट के नीचे हैं, बहुत बहुत नीचे गिरे हुए हैं, वो ऊपर उठ के आते हैं। और जिसके पास पैसा है वो भी कैश में है, वो मेरिट ना हो उनको मिल जाती है। इससे समाज में एक दुष्ट वातावरण पैदा होती है। तो पहला प्रभाव ये। दूसरा प्रभाव है कि ये जो पैसा है ये कहां जाता है? आखिर में कोई मंत्री ले लेता है या कोई पॉलिटिशियन ले लेता है या ब्यूरोक्रेट ले लेता पैसा, ये आखिर में जाता कहां है? जो छोटे मोटे पैसा लेते हैं पुलिस वाले, वो तो कर्जा देने में, मनी लेंडिंग में लगा देते हैं, और अपना जो पुलिस की पावर है उसको दादागिरी करके जो पैसा वापिस नहीं करता उसकी हालत खराब करते हैं। तो ये पुलिस वाला को तो ये काम नहीं है, परंतु वो जानता है कि वो भ्रष्टाचार कर सकता है, तो वो पुलिस वाला भी खराब हो जाता है। लेकिन बड़े पैमाने पर ये पैसे आज जो सेठ लोग या कोई ऑफिसर लोग या मंत्री लोग जिनके पास कैश आती है, इस कैश को लेकर वो होलसेल मार्केट में जाते हैं बस। और होलसेल मार्केट में जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उसका फॉरवर्ड ट्रेडिंग के नाम पर वो खरीद के उसको गोदाम में डाल देते हैं। आज देखिए हमारे देश में मुद्रास्फीति इतनी हो रही है, इतनी इन्फ्लेशन है, उसके पीछे कारण क्या है? इकोनॉमिक्स में सिखाते हैं कि सप्लाई बढ़ेगी तो फिर प्राइस कम हो जाएगी। हमारी सप्लाई तो बढ़ते जा रही है, 7% 8% से कम होती नहीं है, 9% भी हुई है कई सालों साल। जब सप्लाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, ग्रोथ रेट आपकी 8% 9% जब होती है तो सप्लाई बढ़ती है। इसके अर्थ सप्लाई इतनी तेजी से जब बढ़ती है तो फिर इन्फ्लेशन भी उससे तेजी कैसे बढ़ सकती है? आज के हिंदुस्तान की इकोनॉमिक्स, हमारी सारी इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक को उल्टा कर दिया है। जहां हम कहते हैं कि सप्लाई बढ़ेगी तो दाम कम होगी, वहां हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में सप्लाई भी बढ़ेगी, उससे भी तेजी दाम बढ़ेगी। ये क्योंकि जमाखोर हो रहा है, और जमाखोर क्यों हो रहा है?
क्योंकि जिनके पास कैश है भ्रष्टाचार करने के बाद उस पैसे को इस पर लगाते हैं। इसी प्रकार से जो पैसा है उसको खर्च करते हैं, किसमें खर्च करते हैं, विलासी वस्तुओं पर खर्च करते हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी में खरीदते हैं, प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाती है, बड़े बड़ा विलासी वस्तुओं और विलासी हम घर बनाते हैं, एक एक कमरे में बाथरूम सहित एयर कंडीशनर्स हैं। तो क्या होता है कि ये जो लग्जरी गुड्स इंडस्ट्रीज हैं उसकी रेट ऑफ रिटर्न बढ़ते जा रही है। आज आप देखोगे अकाउंट्स की, शेयर होल्डिंग अकाउंट्स में ये सारे जो क्राइसिस बनाती है अकाउंट्स, उसको देखेंगे तो लग्जरी गुड्स की इंडस्ट्री हर साल तेजी से बढ़ते जा रही है। और इस कारण से जो लोग पहले कपड़े में इन्वेस्ट करते थे, साधारण मनुष्य के वस्तुओं की आवश्यकताओं के लिए इन्वेस्ट करते थे, वो कहते हैं हम क्यों यहाँ 7-8, 6-7% कमाना चाहिए जब हमें 25-30% लग्जरी गुड्स में मिलती है। तो वो पैसा वहां से निकलकर यहाँ चली जाती है। और आज हमारे देश में पूंजी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से 70% आज वो लग्जरी गुड्स प्रोडक्शन में जा रही है। इतनी गरीब देश, इतनी गरीबी है, मैं नहीं कहता हूं हमने विकास नहीं किया है, परंतु गरीब लोग भी बहुत हैं, उनकी आवश्यक वस्तुओं उत्पादन करनी चाहिए, उसके लिए वो करने होता नहीं है क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न उस इंडस्ट्री में बहुत कम है। और इसीलिए लोग इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह ले जाते हैं जहां रेट ऑफ रिटर्न है, वो है लग्जरी गुड्स इंडस्ट्री। आज हमारे 5-स्टार होटल, कितना भी इकोनॉमिक रिसेशन हो जाए, 5-स्टार होटल सारे भरे पड़े होंगे, सारे हवाई जहाज में घूमने जो जे क्लास है वो भरा होगा, इकोनॉमिक क्लास उतना भरा नहीं होगा पर जे क्लास भरा होगा। ये सारा काला धन का असर है। तीसरा है जो चिदंबरम साहब का देन है, वो है कि जब उनको उनके जो क्या कहते हैं रहनुमा है सोनिया गांधी, उसने कहा कि ये क्या है कि हमारे पैसे स्विट्जरलैंड में जमा करते हैं और वो सर्विस चार्ज कर रहे हैं, वो पैसा वैसे ही पड़ा हुआ है और घटते जा रहा है, तो इसके कमाने के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो चिदंबरम ने एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव तैयार किया है, उसका नाम है पार्टिसिपेटरी नोट। और अखबारों में उनका इतना प्रभाव है सरकार की कि ये पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में बहुत कम लोग लिखते हैं। आप गूगल में जाकर उसको टाइप करिए पार्टिसिपेटरी नोट, आपको थोड़ा कुछ मिलेगा इसमें, बट आज के आम अखबारों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये भयंकर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है कि आपको विदेश में पैसा कैश में है, और कैश में कैसे आएगी विदेशों में, हवाला के जरिए, हवाला के जरिए विदेश में भेज देते हैं। उस कैश को लेकर जाकर आप मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स या यूएस के फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, वहां उनके काउंटर में जाकर कैश रखिए और अपना पासपोर्ट दिखाइए इंडियन, और कहिए मुझे पासिव पार्टिसिपेटरी नोट चाहिए, तो एक कागज का टुकड़ा देंगे, अच्छा रंगीन कागज का टुकड़ा होगा, उसमें सिर्फ अमाउंट लिखी होगी, उस अमाउंट को, उस क्या उस कागज को, उस पार्टिसिपेटरी नोट उसको कहते हैं, उसको लेकर हिंदुस्तान आइए और रिजर्व बैंक को एक कॉपी दीजिए, और रिजर्व बैंक कोई सवाल नहीं पूछेगा और आपको एक रिसीट देगा, उस रिसीट को लेकर आप जाकर स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर को दीजिए कि इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्टमेंट आज हमारे देश से जो बाहर आती पैसा जो स्टॉक मार्केट में जा रही है वो 80% पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए है, जिसके बारे कुछ पता ही नहीं है, इसका बाप कौन है, इसका इसकी बेटा कौन है, ये कहां से आया, कहां से गया, जाएगा, ये कुछ आइडिया नहीं है, सिर्फ अमाउंट लिखी हुई है उसमें और रिजर्व बैंक की रिसीट, उसको लेकर आप इन्वेस्ट करोगे तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद उसको बेचकर जो आपको रुपए में पैसा मिलेगा कैपिटल गेन्स,
उसको लेकर आप रिजर्व बैंक में जाइए रिसीट के साथ, वो रिजर्व बैंक अनिवार्य है आपको उसको डॉलर में बनाकर दे देगा, उस डॉलर को आप वापस विदेश ले जा सकते हैं। ये भयंकर है क्योंकि कैश जो है काला धन ये विदेश जाता है हवाला के जरिए, वहां से वो हिंदुस्तान वापस आता है। हाँ, कैपिटल गेन्स के कारण आपको 30% टैक्स देना होता है, उसके लिए भी चिदम्बरम ने एक रास्ता सोचा कि आप सीधा इंडिया को मत आइए, आप मॉरिशियस जाइए, मॉरिशियस में एक डॉलर का कंपनी एक बनाइए, एक डॉलर पेड अप कैपिटल का कंपनी बनाकर उस कंपनी के जरिए आप आकर हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल गेन्स टैक्स भी माफ है, 30% माफ है। इसीलिए आज हमारे देश में मॉरिशियस सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है, अमेरिका से 2 गुना ज्यादा कर रही है। ये मॉरिशियस में क्या है? कुछ नहीं, अभी मैंने 2G में जब इन्वेस्टिगेशन की थी मैंने ये देखा कि 2G इन्वेस्टिगेशन में सारा कंपनीज जो धांधली कर रहे थे उनका मॉरिशियस में एक दफ्तर था, और सारे बड़े कंपनीज जो इन्वॉल्व हैं टेलीकॉम में उनका सबका एड्रेस एक ही था, वो उस एड्रेस एक कमरे का था, उस कमरे के अंदर ना कुर्सी ना टेबल ना कुछ, बोगस एड्रेस। मॉरिशस का फायदा उठा करके उन्होंने किया और इस विदेश से जो ये पैसा आ रही है इससे ये कमा रहे हैं जिन लोगों ने काला धन कमाया है, और स्टॉक मार्केट जब चाहे ऊपर जाएगी जब चाहे नीचे आएगी। आज हमारी स्टॉक मार्केट मध्यम वर्ग के इन्वेस्टमेंट के बाहर चले गया है, मिडिल क्लास के इन्वेस्टमेंट का सब सत्यानाश हो रहा है, और ये काला धन के कारण है, वो भ्रष्टाचार के कारण है। इसके अतिरिक्त आप जाने कि क्योंकि आप पैसा हवाला के जरिए भेज रहे हैं, हवाला के अधिकांश एजेंट्स जो हैं हिंदुस्तान में उनका रिश्ता पाकिस्तान के साथ है, तो माने ISI के साथ है, माने ISI को पता है कि कौन विदेश में कौन सी बैंक में कितना पैसा जमा कर रहे हैं, तो ये तो ब्लैकमेल का इश्यू हो गया। इसीलिए आप देखोगे कि हमारी सरकार को हिम्मत नहीं है पाकिस्तान का जवाब देने के लिए। वो बॉम्बे में आपका 26/11 का घटना होने दो, यहां आपके दिवाली के टाइम में सरोजिनी मार्केट में होने दो, जो भी है बाद में इतना ही कहेंगे शांति शांति, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, क्यों कर नहीं सकते? क्योंकि हमारे अधिकांश मंत्री आज जो हैं वो पाकिस्तान की ISI से ब्लैकमेल होते हैं, इसीलिए उनको हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और कश्मीर के मामले में भी समझौता के ही बात करते हैं, जब पाकिस्तान का कोई केस नहीं है कश्मीर में। जवाहरलाल नेहरू की गलती, मैं अपनी गलती उस भोजा मैं नहीं उठाने चाहता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट से वो यूनाइटेड नेशंस को कश्मीर की मामला ले जाने के लिए पास नहीं करवाया, वो तो आपने मनमानी किया, किसी की सलाह नहीं ली उसने, सरदार पटेल की नहीं ली, हो सकता कि एडविना माउंटबेटन की सलाह ली होगी, परंतु उन्होंने सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं लिया, सरदार पटेल को पता ही नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने जो किया वो हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। तो मैं आपसे ये कहने चाहता हूं कि ये देखिए कितनी व्यापक असर है भ्रष्टाचार का, और इस कारण से आज हम देख रहे हैं कि जिन कंपनीज को लाइसेंस मिली उनमें से चंद लोगों ने ब्लैकलिस्टेड कंपनीज विदेशियों को बेच दिया है। स्वान कंपनी एक थी, उस स्वान कंपनी को कंपनी ने अपनी मेजॉरिटी सारी कंट्रोल बेच दी, किसको? एटी सलाट के बाद होम मिनिस्ट्री क्या कहती है, ब्लैकलिस्ट किया है एटी सलाट को, और क्या कहा है, ये ISI की पैसे पर पनपती है ये एटी सलाट, इसीलिए इसको किसी बिजनेस में आने नहीं देना है। और इसके जो जनरल मैनेजर इंडिया ब्रांच है
उसका जो एमडी है उसका नाम है शहीद बलवास, जो आजकल जेल में है 2G के मामले में, उसको कतई कहीं आने नहीं देना क्योंकि ये दाऊद इब्राहिम का एजेंट है। उसको बेचने के लिए परमिशन दे दी सरकार ने, लाइसेंस मिली अपने कंपनी देश के कंपनी को और देश के कंपनी ने इनको बेच दी। इसी प्रकार से यूनिटेक है एक प्रॉपर्टी डीलर, उन्होंने उनको लाइसेंस मिला। प्रॉपर्टी डीलर को कैसी लाइसेंस मिल गई पता नहीं, बट मिला। और ये लाइसेंस को लेकर इन्होंने टेलीनॉर को बेच दिया, जो आजकल हिंदुस्तान में यूनिनॉर में काम करती है, नाम के नाम से काम करती है ये। और होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है, ये सब चिदंबरमानी के पहले जब शिवराज पाटिल थे, होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है कि जहां तक टेलीनॉर है ये चाइना से की मिलिट्री से इक्विपमेंट खरीदती है और ये इक्विपमेंट साइबर वॉरफेयर भी करने के लिए भी सक्षम है। और यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, हिंदुस्तान और चाइना के बीच में कोई युद्ध हो जाए तो हमारी सारी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को फेल करने की क्षमता रखती है। तो इसीलिए इनको बिजनेस नहीं करने देना चाहिए हमारे देश में। अमेरिका ने वैसे भी बैन कर दिया है हुआवे और टेलीनॉर को इसी कारण से, कई देशों ने किया परंतु हमारे देश में उसको अंदर आने दिया है। ये क्यों है? क्योंकि इनको किसी को हिम्मत नहीं है ना कहने के लिए। तो हमें पहले ये नमूना जो है भ्रष्टाचार इसको समझना चाहिए। दुनिया भर की बातें कही जाती है, सब चीजों को भ्रष्टाचार कह देते हैं। किरण बेदी ने क्या वो ट्रैवल में फर्स्ट क्लास का टिकट का पैसा लिया और इकोनॉमी क्लास में चले गए, उसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। उसको चीटिंग कह सकते हैं, भ्रष्टाचार नहीं कह सकते। दिग्विजय सिंह, पता नहीं उसका दिमाग ठीक है कि नहीं है, वो कहता है कि बाबा रामदेव कैश में पैसा लेता है और इसीलिए वो भी भ्रष्ट है। अब मैं मेरे पास पॉकेट में ब्लैक मनी है, मैं टैक्सी में जाता हूं, टैक्सी वाला को मैं कैश में किराया देता हूं, तो टैक्सी वाला भी करप्ट हो गया। तो करप्शन क्या है? आज हम बाकी चीजों पर ना जाएं, करप्शन वो चीज पहला हमारा नजर होनी चाहिए जब सार्वजनिक पद पब्लिक ऑफिस इसको दुरुपयोग करके अपने के लिए या किसी और के लिए फायदा पहुंचाएं, वो है भ्रष्टाचार। यानी दो लोगों के बीच में कुछ घपला हो जाता है तो वो उसको चीटिंग कह सकते हैं, फ्रॉड कह सकते हैं, एक्सटॉर्शन कह सकते हैं, पर करप्शन नहीं कह सकते। करप्शन को उसी मामले पर उसी को गंभीर भी हम लेते हैं जब एक पद जो है पब्लिक ऑफिस उसका दुरुपयोग हो करके वो किसी और को फायदा पहुंचाते हैं या अपने को भी पहुंचाते हैं या दोनों को भी पहुंचाते हैं, उनको भी और अपने को भी। 2G मामले में यही हुआ। लोग कहते हैं ये 2G क्या है, अभी 3G आ गई, कल 4G आएगी, ये क्या जी। 1G माने कॉर्डलेस फोन। अब कॉर्डलेस फोन का जो वायरलेस जाती है उसकी साइकिल लंबी साइकिल होती है, उसमें सिर्फ आपकी वाणी जाएगी और कुछ नहीं जाएगी, वॉइस। फिर 2G में वो उतना लंबा साइकिल नहीं है, थोड़ा शॉर्ट साइकिल्स हैं, उसको 2G कहते हैं। जी माने जेनरेशन और वो उसमें ज्यादा साइकिल होती है। 3G उसमें आप ईमेल भेज सकते हैं, उसमें आप SMS भेज सकते हैं, आपका फोटो भी भेज सकते हैं। 3G में आप वीडियो भेज सकते हैं, अपनी बात करते हैं, जो फोन उठाएगा उसको भी आप देख सकते हो और जो फोन लगा रहा है उसको वो देख आपको देख सकते हैं। 4G में और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन भेज सकेंगे, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स भेज सकेंगे। तो इसीलिए जी माने जेनरेशन, पीढ़ी। पहला पीढ़ी कॉर्डलेस फोन, दूसरा पीढ़ी मोबाइल फोन, तीसरी फोन में ये एडिशनल डेटा फोन, डेटा अवेलेबिलिटी। तो
ये है और ये आसमान में जाती है, इसलिए आसमान के विभाजन करनी पड़ती है कि ये वेव्स का टक्कर ना हो, और इसीलिए उस विभाजन में हमें तो असीमित अमित आकाश की आयाम नहीं है, और इसीलिए उसको ऑक्शन करना बेटर है ऐसा लोग मानते हैं। कम से कम विभाजन ठीक से करनी चाहिए, उसकी जो असली कीमत है उसको चुकाना चाहिए, उसको लेना चाहिए। अब ये 1G 2G के बारे इतना कंफ्यूजन है कि किसी ने एक दिन मनमोहन सिंह को पूछा कि आपको 2G क्या है पता है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, सोनिया जी और राहुल जी। तो देश में लोगों को इसके बारे ना पता होने के कारण मैंने बड़ी सरलीकरण करके आपको बताया। तो क्या हुआ कि 2001 में जब पहले लाइसेंस दी गई तब हमारे देश में 4 करोड़ मोबाइल फोन्स थे, आज 17 करोड़ हैं। तो मार्केट इतनी बड़ी हो गई, दुनिया भर के लोग यहां आने चाहते हैं। तो राजा ने दुरुपयोग किया अपने पद का, और उस दुरुपयोग के कारण उसने लाइसेंस दी थी 2008 में 2008 के दाम पर नहीं, परंतु 2001 के दाम पर। 2008 के दाम 10 गुना ज्यादा थी, और 2001 के दाम पर देकर उन्होंने जो रेवेन्यू मिल सकती थी, राजस्व मिल सकती थी, उससे हमारी इस भारत को वंचित किया। यदि उस समय या उसकी नीलाम करते या उसको बेचते, यानी सबको पता था दाम क्या है, क्योंकि कई लोग जिनको लाइसेंस नहीं मिली वो तो बड़े पैमाने में दाम ऑफर किया कि ये तो इतने कम दाम पर 1650 करोड़ में आप एक लाइसेंस बेच रहे हैं, हम तो 1650 करोड़ देने के लिए तैयार है, यहां तक लोग तैयार हो गए थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और दूसरा, उन्होंने जब ये स्पष्ट था कानून में कि जो लाइसेंस दी जाएगी वो 3 साल के लिए किसी को बेचना नहीं चाहिए और अपने आप सर्विस चालू करनी चाहिए, ये उसने उसका उल्लंघन किया, क्योंकि 2 कंपनीज को ऐसे दिया, स्वान और यूनिटेक, जिनके पास ना एक टावर था, ना कोई इक्विपमेंट था, ना कुछ था। तो उन्होंने उस कंपनी को जब लाइसेंस दिया वो तो टेलीकॉम सर्विस कभी दे ही नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने 8 गुना दाम पर बेच दी अपनी लाइसेंस को, एटी सलाट को और टेलीनॉर को, और देशद्रोही का काम भी किया और 8 गुना, तो इनको लाभ मिला। जो कहते हैं कि इस दाम को सस्ता कर, यानी मोबाइल सर्विस सस्ता करने के लिए हमने 2001 का प्राइस किया, तो फिर इन जिनको दिया आपने उन्होंने 8 गुना दाम पर बेच दी, आप भी 8 गुना दाम पर बेच देते। तो इस तरीके से उन्होंने किया, और मैंने जब मुझे पता लगा हमारे प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अनुसार मंत्री के ऊपर केस डालना तो प्रधानमंत्री से अनुमति मांगनी होती है। अनुमति क्या? कि मेरे पास ये आधार है और ये पर्याप्त है, ये प्राइमा फेसी केस इसमें बनती है, तो हमें अनुमति दीजिए। प्रधानमंत्री उसको देखता है और फिर अनुमति देता है या इनकार करता है, और ये इसीलिए बनाई गई ये कानून कि मंत्रियों को परेशान नहीं की जाए कि कोई भी कभी भी चले जाए कोर्ट में केस डालने के लिए, तो इसीलिए ये इसको सैंक्शन कहते हैं। आज सैंक्शन का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए अन्ना हजारे जन लोकपाल में ये बात है कि जब लोकपाल बनेगा वो लोकपाल सीधा CBI को आदेश दे सकता है, सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इस एक बात पर हम अन्ना हजारे के लोकपाल बिल से सहमत हैं कि वो आ जाए तो वो बड़े हमारे लिए और आसान हो जाएगा काम, ना आए भी हम काम कर लेंगे, थोड़ा देरी होगी बट हमने काम किया है। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, वो मेरी चिट्ठी के जवाब नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु इतना भी मैं उनका इतना अच्छा मित्र हूं, इतना भी जानता हूं कि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, बचपन से नहीं था,
इसीलिए वो कभी कोई फैसला नहीं कर सकता है। और सैंक्शन उससे क्या मांगना, उसको तो पहले उसके ऊपर जो महिला बैठी है उससे सैंक्शन लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो उसने नहीं किया। और मुझे ये भी पता था कि जो 8 गुना दाम पर उसने बेचा, ये कंपनीज ने, उसमें आप पूरा 10 गुना के दाम पर, मार्केट दाम पर बेचते तो सरकार को अतिरिक्त 1,76,000 करोड़ मिलती। सिब्बल कहता है कि नहीं, शून्य है, कोई आश्चर्य नहीं है, सिब्बल को तो गिनती में शून्य से ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसलिए वो शून्य ही कहेगा, वो गिनती पहले तो सीखे। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि 1,76,000 करोड़ रुपए जो सरकार की रेवेन्यू में आ सकती है वो गायब हो गए, विदेशियों के हाथ में गायब हो गई। और विदेशियों संतुष्ट होकर उसमें से 60,000 करोड़ रुपए रिश्वत में राजा को दे दी। और राजा तो पता था कि मैं अकेला तो ये सारा पॉकेट में नहीं डाल सकता, क्योंकि बहुत लोग की अनुमति के साथ ही हुआ है। उसने अपने जेब में 4,000 करोड़ रख ली, 60,000 में उसने 4,000 अपने के लिए रख ली। उसने करुणानिधि को 16,000 करोड़ दिया, क्योंकि करुणानिधि के 3 बीवी हैं तो ज्यादा कुछ देना होता है बांटने के लिए। और सोनिया गांधी को 36,000 करोड़ दिया, तो बाकी शेष 5,000 कहां गया ये बाद में पता लगा चिदंबरम के पास गया। तो मैंने कहा क्यों चिदंबरम, फिर मैंने जब जांच की तो लगा ओ, स्पेक्ट्रम का दाम राजा अकेला तय नहीं कर सकता था। 2003 में जब एनडीए गवर्नमेंट थी उन्होंने ये कैबिनेट रेजोल्यूशन पास किया कि ये टेक्निकल मामला है, इसीलिए ये स्पेक्ट्रम का जो दाम है ये कैबिनेट में आने की जरूरत नहीं है, 2 मंत्री को अधिकृत करते हैं, एक है फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरा है टेलीकॉम मिनिस्टर, ये दोनों मिलकर जो तय करेंगे वही दाम है। तो इसके माने 2008 में फाइनेंस मिनिस्टर था चिदंबरम और टेलीकॉम मिनिस्टर थे राजा। और जब मैंने डॉक्यूमेंट्स और आगे देखे तो 4 बार राजा और चिदंबरम की भेंट हुई, उसकी मिनट्स की कॉपी मिली और उससे साफ होता है कि दोनों की सहमति थी और दोनों ने साथ मिलकर के दस्तखत किया कि दाम 2001 का होना चाहिए। तो यदि राजा जेल में है तो चिदंबरम बाहर क्यों होना चाहिए, दोनों साथ ही साथ काम किए हैं। जो दोष राजा पर है वो दोष उसी पर है, चिदंबरम पर भी है। और चिदंबरम ने ही उसको कहा था कि परवाह नहीं, 3 साल की जो लिमिट है कि 3 साल लाइसेंस नहीं बेच सकते हो, आप शेयर डाइल्यूशन के नाम पर बेच सकते हैं। और उन्होंने उनको रास्ता सिखाया, वो भी डॉक्यूमेंट में। इसीलिए मैंने बहस की, सीबीआई ने डट के विरोध किया, नहीं नहीं चिदंबरम का कोई कसूर नहीं है। अब सीबीआई तो करेगा ही, क्योंकि उनके सारे सीनियर ऑफिसर्स आईपीएस के हैं, आईपीएस का कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड प्रमोशन तो होम मिनिस्ट्री तय करती है। थोड़ा आंख का भी शर्म है, रोज चिदंबरम से मिलना होता है। तो उन्होंने डट के विरोध किया, और डट के विरोध करने से आज की नई परिस्थिति जो आई है, जिसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना होगा, सीबीआई कुछ भी कहे आखिर में कोर्ट तय करेगी जो क्या सही है और क्या गलत है। और इसीलिए जब कन्नी मोरी को बेल दे दिया जा सकता है, जब सीबीआई ने कहा, एक ट्रायल कोर्ट का जज सैनी ने कहा सीबीआई कुछ भी कहे ये मेरे ऊपर अनिवार्य नहीं बनता है कि मैं उसकी बात को सुनना है, मैं अपने बुद्धि और विवेक से तय करता हूं कि इनको बेल नहीं देना चाहिए। सीबीआई के कहने के बावजूद उन्होंने दिया नहीं, ये हमारे देश के लिए एक पुनरुत्थान हो रहा है एक प्रकार से। तो इसलिए आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में बहस की है,
मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई ने जांच नहीं की, वो कर नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। सीबीआई के लोग मुझे प्राइवेटली कहते हैं कि तो बाहर थर्ड रेट आदमी है ये चिदंबरम, इसका किसी तरीके से जांच करा दो, इसकी हम चमड़ा उतार देंगे इसके बाद। ये प्राइवेटली कहते हैं, बट पब्लिकली डरते हैं। और पब्लिकली कोर्ट में तो बहस की कि स्वामी का जो भी बातें उसमें कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के वकील को और यूनियन ऑफ इंडिया के वकील को 9-9 घंटे के बहस करने दिया। हर दिन 2 घंटे के लिए बैठती है सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर, और 2-2 घंटे माने 18 में तो 9 दिन इन लोगों ने बहस की। मैंने सिर्फ 2 घंटे की बहस की और उसके बाद ऑर्डर्स रिजर्व हो गए हैं। मैं इंतजार में बैठा हूं और यदि सीबीआई की जांच ऑर्डर हो जाएगी तो चिदंबरम का फिर इस्तीफा देना अनिवार्य हो जाएगा। और मैं ट्रायल कोर्ट में भी गया हूं और कहा हूं कि राजा आरोपी है तो चिदंबरम को भी सह आरोपी बनाओ और उसको जोड़ो वो केस भी, तो वो यहां हो जाए तो यहां ऑटोमेटिकली हो जाएगा और फिर चिदंबरम के नाम पर वारंट होगी और उसके बाद उसको क्लब तिहार में नया मेंबर बनना पड़ेगा। तो देश मुक्त होने की चित्र मैं देख रहा हूं, क्यों जनसंख्या युवा हमारे देश तो आज 70% 35 साल से कम है। ये युवा पीढ़ी में ये भावना आ जाए, ये आकर्षण आ जाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता है परिवर्तन को। और ये मैं देख रहा हूं अपने आप ने आप आ रहे हैं और इसीलिए इससे हमें देश को मुक्त करा सकते हैं, भ्रष्टाचार से तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले ये समझ लीजिए कि 1947 में हम इतना भ्रष्ट नहीं थे, लेकिन ये सोवियत मॉडल जो आई, रूस के प्रभाव पर हमारी जो अर्थशास्त्री थे वो ज्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स में तो अब खत्म हो गया है क्योंकि अधिकांश लोग विदेश भाग गए, विदेश में जाकर बस गए। लेकिन अभी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में थोड़े कम्युनिस्ट बाकी हैं, उनका भी छुट्टी करना है कभी भी। तो ये जो सोवियत मॉडल थी लाइसेंस कोटा का, उसी में भ्रष्टाचार है। तो फिर ये जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आए उसके बाद क्यों भ्रष्टाचार बढ़ी है? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सख्त कानून बनाना एक तरीका है, कभी टेक्नोलॉजी लगाने से भी तो भ्रष्टाचार मिट जाती है। जैसे टिकट कंडक्टर को हम पैसा देते थे रिजर्वेशन के लिए, बर्थ के लिए, जो क्लार्क जो स्टेशन मास्टर स्टेशन में जो टिकट के काउंटर में बैठता था उसको भी पैसा देते थे। लेकिन जिस दिन से कंप्यूटराइजेशन आई वो लगभग बंद हो गई। जो पहले भयंकर, आप लोग को याद नहीं होगा उस समय पता नहीं पैदा हुए कि नहीं, 1970-71-72 में टिकट मांग पैसे के बिना मिलती नहीं थी रिजर्वेशन, आज वो हालत नहीं है, टेक्नोलॉजी बदल दी। ई गवर्नेंस आ जाए, आपको चपरासी को पैसा दे करके फॉर्म लेने के बजाय आप कंप्यूटर के जरिए अपने घर में प्रिंट आउट कर ले लीजिए, ये दूसरा तरीका है। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, सख्त कानून भी बना सकते हैं, लेकिन आखिर में हमें ऐसे मनुष्य को पैदा करना चाहिए जैसे वास्को डी गामा ने देखा, पासियन ने देखा, मार्क ट्वेन ने देखा, जो अपने आप अनुभव करते हैं कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। वो कब आएगी? जब आएगी जब ये जो ग्लोबलाइजेशन में भौतिकवाद पर हम फंस गए वो चले जाए। एक जमाने में हम विकास किया, हमारे देश दुनिया में नंबर 1 देश माना जाता था इकोनॉमिकली 1000 साल पहले, 500 साल पहले भी हम नंबर 1 थे, गिर रहे थे पर तब भी नंबर 1 थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही हम पीछे हुए,
क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर नहीं पाया, अंग्रेज आकर यहां बैठ गया था। और उसके पहले बाहर से लोग आते थे, नादिर शाह ये वो लूट कर गजनी गोरी ये सब आकर लूट के जाते थे, तो गिर रहे थे। लेकिन पूरा गिरावट जब हुई जब ये नवीन यंत्रों के साथ इंग्लैंड और यूरोप और अमेरिका आगे बढ़ गई और हम उससे वंचित रहे और पीछे रह गए। लेकिन जब हम नंबर वन थे हम भ्रष्ट नहीं थे। आज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज्यादा है, 90% वर्ल्ड के नंबर वन में है, क्यों हम ज्यादा इतने भ्रष्ट हो गए? क्योंकि जो मूल्यों पर हमने समाज को बांधा था वो मूल्य